न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीमों के दौरे की मंसूखी पर साबिक क्रिकेटर्स मायूस। वसीम अकरम कहते हैं कौमी टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी तो सब टीमें पीछे भागेंगी। मोइन खान बोले इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत मेहनत की। राशिद लतीफ का पीसीबी को दोबारा न्यूजीलैंड से राब्ते का मशवरा। लाहौर में मियां नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन का जाली इंदराज, एफआईए की तहकीकात में तेजी, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस डॉक्टर अहमद नदीम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद मोतल, गलत डाटा एंट्री में मुलविस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी सेहत ने भी 3 रुकनी तहकीकती कमेटी कायम कर दी। सिंध के वजीर सईद गनी के ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ फतह के इज्जत के दावा दायर। सूबाई वजीर कहते इल्जामात लगाए गए, लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। इल्जामात लगाने वालों को बेनकाब करूंगा। और कराची में कल की बारिश का पानी आज भी सड़कों पर जमा। मोहम्मद अली सोसाइटी में सदर मुमलिकत के घर के करीब पानी दुकानों में दाखिल। शादमान में मस्जिद के अतराफ में पानी ही पानी। सिटी कोर्ट में आने वाले साइलीन भी परेशान। शहर कायद में आज भी बादल बरसेंगे।